मैं तो उस देश में हूं जहां पराधीन भारत का कोई प्रतिनिधि तक स्वीकार नहीं किया गया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में। ये जो गगन में उड़ता हुआ भगवा है जिसके ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, एक शताब्दी पहले यह नहीं माना जाता था कि इसकी बात कहने के लिए भी किसी को अवसर दिया जाए। 3 दिन का सम्मेलन और सनातन धर्म को 1 मिनट का समय नहीं। तब बेहद हैंडसम 5 फुट 8 इंच के कसरती शरीर वाले मलखंब करने वाले स्वामी विवेकानंद ने मेहनत करके अपना समय बनाया कि मुझे 5 मिनट मिले। 3 दिन से लोग बोल रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार भारत का बेटा गया और उसने जो बोला उस पर 3 मिनट तालियां बजी। माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब नीचे उतरने लगे तो आयोजक मंडली की एक 22-23 वर्ष की सुदर्शन युवती ने उनसे कहा, स्वामी, बेहद खूबसूरत महिला, आई डू वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मुस्कुराते हुए नरेंद्र ने कहा, आई एम ए सेंट, वी आर नॉट अलाउड टू हैव एनी फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, आई कांट मैरी यू यंग लेडी, बट आई डू वॉन्ट टू मैरी यू। महिला ने कहा, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी जी ने फिर मना किया। जब तीसरी बार कहा तो स्वामी जी ने पूछा, वाई यू डू वॉन्ट टू मैरी, आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हैं? उस युवती ने कहा, स्वामी विवेकानंद, इफ यू गॉट मैरिड, अगर हम शादी कर लेते हैं तो सोचिए हमारा पुत्र कितना अच्छा होगा जो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम जैसा बुद्धिमान। उस समय वो विवेकानंद नहीं थे, भारत था। मेरे भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है माता, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं।